तो आज का पेपर कॉपी पेस्ट हुआ है, तो हम क्वेश्चनों को देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए फिटर फर्स्ट ईयर का पेपर देख लेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन ही डायग्राम वाला पूछा गया है। ये डायग्राम आप पहले देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इस डायग्राम को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्लो पाइप, जो कि राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये बताना है, इस सिंबल को, इस प्रतीक को हम क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं स्टॉप के लिए, ठीक है। इसके लिए स्टॉप के लिए लगाते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, बी आई प्रणाली जो होती है बी आई एस की, उसमें कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। तो 18 ग्रेड, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, किस वेयरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा थ्रस्ट वेयरिंग, जो कि राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, फाइल के एक्स वाले भाग को चिन्हित को नाम देंगे, इसे क्या कहेंगे। ये एक्स वाले भाग को, इसको क्या कहेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे हील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हील। अगर आप लगाओगे तो दो नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम संबंध है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इस वाले भाग को बताना है, इसे क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन देखेंगे, इसे बोलेंगे ऋणात्मक रेक कोण, जो कि सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे हम इसे कौन सा हथौड़ा, इस हथौड़े का नाम क्या है, इस हथौड़े का नाम है क्रॉस पिन हथौड़ा। अगर एग्जामिनर में आगे क्वेश्चन है, इस चिन्ह का नाम क्या है, तो इसका नाम है पैदल चलने वाला मार्ग, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लंबी चाप लंबाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, फिलर गेज का उपयोग क्या है। तो फिलर गेज का उपयोग है मिलाने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये वाला, कि ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसे हम बोलेंगे लिप। जो भी साथी लिप करके आएंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, इस रीमर के प्रकार का नाम बताना है, इसे आप देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे हैंड रीमर बोलते हैं साथियों। इस गेज का नाम क्या है, ये देख लीजिए। तो इसका नाम क्या है, इसे हम बोलेंगे वेवल गेज, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे, आगे बोलेंगे वेल्डिंग ज्वाइंट का नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, वट ज्वाइंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। एग्जामिनर पूछ ले, भाग एक्स के नाम क्या है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को, इसे, तो इसे बोलेंगे हम क्लैंप। क्या बोलेंगे, क्लैंप भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, वेंच वॉइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन है, यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट स्थिर है, तो सिस्टम का नाम क्या है। राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, होल बेसिक सिस्टम, राइट ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, खराद मशीन में वैग गेयर यूनिक का उद्देश्य क्या है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्पिंडल की गति कम करें। अगला क्वेश्चन, इस थ्रेड का नाम क्या है। तो इसे बोलेंगे सातूट थ्रेड। जो भी साथी ए ऑप्शन लगा के आए हैं। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है,
कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। राइट ऑप्शन स्टेडी रेस्ट एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। आयत ट्रे बनाने में प्रयुक्त नॉच का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन स्क्वायर नॉच ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है, इसे क्या बोलते हैं देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसे बोलेंगे ग्रूविंग, एकदम सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे बताना है टेलीस्कोप गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ये रहा नीचे वाले भाग, इसे हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टेलीस्कोपिंग लेग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर पूछ ले एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइट, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जलाऊ लकड़ी से होने वाली आग का वर्ग क्या है? तो राइट ऑप्शन ए, क्लास ए जो होती है लकड़ी के अंतर्गत, ठीक है, और बिजली वाली डी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सोल्डर के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन शुद्ध धातु या मिश्र धातु, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग का नाम बताना, इसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्वार्टर पिन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये वाला कि इस स्टेक का नाम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, इसे बोलेंगे फनल स्टेक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? कॉपर सल्फेट राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कच्चा लोहा में मशीन टूल्स में कंपन कम करने की क्षमता होती है? राइट आंसर ग्रे कास्ट आयरन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, जो भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इसे बोलेंगे काउंटर बोरिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचाने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा काउंटर संक हेड रिवेट, जो कि राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपको लगाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये देखिए, इसे हम क्या कहेंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम फिंगर्स, क्या बोलेंगे इसे? फिंगर्स, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आप डायग्राम वाले 7-8 क्वेश्चन सही करते हैं तो 8×16 नंबर आपके पक्के हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? राइट ऑप्शन वैरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है साथियों, जो ड्रिल में रैक कोण कौन सा है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा हेलिक्स कोण, और आपको भी इसी को ही लगाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये देखिए, स्क्रू थ्रेड में एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग को बताना है, इसे क्या कहते हैं? इस वाले भाग को क्या कहते हैं? चलिए देख लेते हैं, इसे बोलेंगे गहराई। अगर आप ए ऑप्शन लगाते हो तो ही आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। हमें ये बताना है एक्स वाले भाग को इसे क्या कहते हैं, इसे मशीन में इसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फीड शाफ्ट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमने थ्योरी का पेपर पूरा देख लिया, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, और गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को पल पल की अपडेट या रिजल्ट भी हम आपको निकाल के देंगे ऑनलाइन, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी आपको चेक करके देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर।
तो ही हमें एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।